कुछ आ रहा है और हम लोग जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं कि भाई इंडिया के अंदर कैंपिंग का हिसाब किताब क्या है। हमारी गाड़ी की छत पे एक रूफटॉप टेंट लगा हुआ है, इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा टेंट है, वो हम देखेंगे खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। और हमने पूरी गाड़ी जो है वो सब सामान से किचन विचन हर चीज़ जो है वो सब व्यवस्था के साथ हम निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं लोहा घाट की तरफ। ये उत्तराखंड में चंपावत डिस्ट्रिक्ट के आसपास पड़ता है, मतलब आसपास का 1.5 किलोमीटर का फर्क है, उसके बाद 2-4-10 किलोमीटर का होगा एग्जैक्टली, भाई गाली मत देना अगर कुछ ऊपर नीचे हो तो। और मतलब बेसिकली ये देखना है हमें कि भाई कैंपिंग की परमिशन कैसे लेनी है, जगह कैसे ढूंढनी है, हमें घंटा कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हम बस अपना टाम तो बेटा टी टप पर लेके निकल पड़े हैं और देखते हैं कितनी मुश्किल है कितनी आसान है। बाकी रास्ते तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, रोड्स यहाँ की सही हैं, तो आप इस चीज का आनंद लो, हम पहुंच के आपको बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो ये थी हमारी पहली लोकेशन की ट्राई, बहुत ही खूबसूरत सी वैली सी थी, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि थोड़ा सा रोड बनने से पहले ही हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। तो आप देख ही रहे हो जब रोड ही नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड सी जगह थी, लेकिन हमको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। अब बस वहाँ के लोकल से पूछना था कि कैंपिंग कितनी फिजिबल है और कितनी नहीं, तो वो चेक करते हैं। नमस्कार अंकल जी, भैया ये वाटरफॉल की तरफ तो रास्ता ही जा रहा है। वाटरफॉल ही बंद है, हैंड वाटरफॉल सूख चुका है, खत्म हो रखे पड़ता है। अच्छा, नीचे क्या रास्ता कहाँ जा रहा है? ये यहाँ से पुलिस पड़ता है, सल्ली पुलिस पड़ता है, एक किलोमीटर आगे। अच्छा, खत्म हो रोड है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप आ गए ऐसी कोई जगह जहाँ हम कैंपिंग कर सकते हैं, जैसे हमारे पास टेंट है, थोड़ा सा प्लेन हो जहाँ पे हम टेंट लगा सकते हैं। ठीक है, सेफ नहीं है, चीता वो तो चलो हम गाड़ी के ऊपर ही सो रहे होंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो एरिया है, आप आगे जाओगे चंपावत पड़ता है, चंपावत में है उधर, वहाँ सेफ है, यहाँ कोई टेंशन नहीं, यहाँ मतलब यहाँ थोड़ा टेंशन है, घुमा लूँ मतलब आपके साथ। ठीक है सर, इस जगह का नाम है धौन। क्या बोला? धौन पत्थर मोहन। ठीक है, तो इस जगह हम कैंप लगा नहीं सकते, रीजन है चीता और भालू, तो इसलिए हम जा रहे हैं चंपावत जगह को, देखते हैं चंपावत जगह लोहागढ़ में कहीं लगाते हैं। लेकिन ये खूबसूरत जगह है, बड़ी बट जगह बहुत खूबसूरत। यहाँ पे देखे जाके हम तो सर वादियों में जगह ढूंढ रहे हैं, कहीं टेंट लगा के सो जाए रात को, ऊपर सो सकते हैं जगह चंपावत में है जगह? चंपावत तो शहर हुआ। क्या चीज नाम क्या जगह का? 8 किलोमीटर चंपावत कहना, चंपावत करो, चंपावत तो मेन मार्केट है, शहर में थोड़ी कैंपिंग होती, वादियों में होती है ना कैंपिंग, तो आगे है जगह। तो कुल मिला के कहानी ये थी कि भाई वहाँ के लोकल लोगों को ना तो कॉन्सेप्ट पता था कैंपिंग का और ना वो हमें समझ पा रहे थे कि हम क्या करना चाह रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत तो हुई और थोड़ा सा स्ट्रेंज तो था ये सारा एक्सपीरियंस कि भाई आपको एक सेफ़ कैंपिंग लोकेशन भी ढूंढनी है और आपको समझाना भी है कि हम करना क्या चाहते हैं। तो अब हम मुड़ियानी गाँव से भी मुड़ चुके हैं क्योंकि यहाँ पर भी अपने को जगह मिली नहीं है, सूटेबल नहीं मिल पा रही, सूटेबल नहीं मिल पा रही, लेकिन जगह बहुत नहीं आ रहे यहाँ पे, मिट्टी देखते आगे। भाई और सहेलियों, चंपावत आ गया है लेकिन कैंपिंग लोकेशन का भी कुछ पता आता नहीं है, पीछे 3-4 जगह जाके हमने देखा लेकिन ना गांव वालों को समझ में आ रहा हम क्या करना चाह रहे हैं और ना हमें लोकेशन समझ में आ पा रही है,
तो अभी पंगा चल ही रहा है, लोकेशन ढूंढ रहे हैं, सूरज जैसे जैसे नीचे जा रहा है एंजाइटी लेवल ऊपर आ रहा है क्योंकि भैया पहली बार कर रहे हैं, लास्ट में कुछ नहीं हुआ था, रोड के किनारे कहीं खोल देंगे लेकिन फिर भीड़ लग जाएगी, भैया ये क्या है क्या नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। चिकन भी लेना है अभी हमको तो, और दूध भी लेना है वरना चाय नहीं पी पाएंगे। तो यही सब चल रहा है, बाकी अपडेट देते हैं वहाँ पहुँच के। चिकन कितना लेना है? 1 किलो बहुत होगा मेरे लिए। 1 किलो एक मुर्गा बहुत होगा। ठीक है, ये ज़्यादा ले, 1 किलो 1 किलो हाँ 3 लोगों में हो जाएगा। 1 किलो हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो बिरयानी बन जाएगी, कम होगा तो वेज करी बन जाएगी। ठीक है, फाइनली अब हम चंपावत पहुंच चुके हैं और ये है चंपावत का मार्केट, और अभी हम भरवाना है पेट्रोल, फिर पेट्रोल भरवा के हम पहुंचते हैं अपनी इन लोकेशन पे, जो आपको वहाँ पहुँच के बताएंगे। हेलो गाइस, छन्नी नहीं मिल रही गाइस, हम चंपावत के बाजार में छन्नी ढूंढ रहे हैं क्योंकि छन्नी ढूंढना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। चाय कैसे पी जाएगी, हो सकता है ये हार्डवेयर वाला तो छन्नी नहीं बेचता होगा यार, ये तो छन्नी मिल, लोकेशन नहीं मिली हमारे लिए, छन्नी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम छन्नी ढूंढ रहे हैं, सोना कहाँ ये नहीं पता अभी छन्नी हंट चल रहा है अभी, छन्नी हंट चल रहा है। कुछ भी कहो भाई, छन्नी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। भैया छन्नी मिलेगी यहाँ पे, चाय की छन्नी कहीं, और टी गार्डन, टी गार्डन कहाँ पे? टी गार्डन भैया ये भी रास्ता है ना? ठीक है, पास कौन सा ये पड़ेगा ना पास? तो ठीक है ओके, इधर को मोड़ लूं। तो मिशन छन्नी कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच गए अपने कैंप लोकेशन पे, जो हमको लोकल लोगों ने सजेस्ट करी, उन्होंने कहा चंपावत से थोड़ी सी आगे चंपावत का फेमस टी गार्डन है, वहां पे आपको एक फ्लैट ग्राउंड मिल जाएगा और वहां पे आप कैंपिंग कर सकते हो, वो एक तरीके का पिकनिक स्पॉट ही है। सनसेट मिल गया भाई। फिर कुछ नहीं, फुल स्पीड में अपनी गाड़ी सेट करी और गाड़ी सेट करने के बाद अपना टेंट खोला, जिसका बहुत टाइम से इंतजार था, एक्साइटमेंट थी। इसके अलावा हमने इंजॉय किया ये खूबसूरत व्यू, नीचे आप देख रहे हो टी गार्डन और ऊपर आप देख रहे हो सनसेट, बहुत ही खूबसूरत व्यू था, और साथ में चल रही थी हमारी तैयारियां। अब क्योंकि ये एक पिकनिक स्पॉट था तो सेक्लूडेड तो ये जगह बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत सारी भीड़ थी वहाँ पे, और ये गाड़ी पे लगे हुए टेंट को देखने तो बहुत से लोग आए। वो पूरा चंपावत शहर है, आज फुल मून डे है तो हमारे पीछे फुल मून है, ये हमारा सेटअप है इस समय पे, यहाँ पे इस समय पे मैगी बन चुकी है, यहाँ बैठ रहे हैं बॉनफायर के लिए, लकड़ी आ चुकी है, चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुका है, यहाँ पे मैगी बनाई जा चुकी है, हमारा ये स्टोव है, जला के दिखा देता हूँ जिन लोगों को लग रहा हो कैसे जलेगा, ये देखिए ऐसे जल जाएगा तो पूरे घर की फीलिंग, नो टेंशन। और ये लॉन्ड एंजॉय कर रहे हैं टेंट में, पूरा टेंट हमने बंद कर रखा ताकि मच्छर वच्छर कोई कीड़ा ना घुसे। कोई और हमें रोस्ट कर ही नहीं सकता। मैगी के बाद चाय बन रही है भाई साहब, चाय पी लो गाइस, चाय पी लो फ्रेंड्स। अरे मत पियो भाई, अपने लिए बना रहे हैं भाई, तूने पानी ज्यादा नहीं डाल दिया तूने? नहीं नहीं अभी खोलेगा फिर होगा। अच्छा अच्छा ओके, ये मोशन सेंसिंग लाइट, मोशन जब सेंस नहीं करती बंद हो जाती है, इसको हमें चलाना अभी आ नहीं रहा है, खैर बाकी ऐसा ही है, अभी चल रहा है मामला, चिकन थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे बनाना चाय पीने के बाद। ये सब लकड़ियाँ वकड़ियाँ आ चुकी हैं, ये अभी डस्टबिन में जाएगा, ये हमारा धोने का जुगाड़ है, यहाँ से ये बर्तन वर्तन जो है वो धुलेंगे यहाँ पे अभी, क्योंकि इसमें चिकन बनना है, ये वॉशरूम इधर उधर जाके, ये टॉयलेट्स के लिए अंदर हैंड वॉश है हमारे पास, अभी विम बार आ रही है, मतलब नॉट आ रही है, वहाँ से आएगी और ये बर्तन धुलेंगे और यहाँ पे सब कुछ होगा, और ये हमारी टीम पूरे जोरों शोरों से लगी हुई है, टीम अय्याश अय्याश टीम। मैंने कहा मैं धो देता हूँ, कह रहा नहीं भैया आप मत धो, मैं धोऊंगा। हाँ छोटे भाई का फर्ज है ये, ऐसे ऐसे डायलॉग मारने लगा तो फिर मैंने कहा छोड़ो मैं के दो, जो भाई की मर्जी तो मैं इसका सपोर्ट करने आ गया हूँ। हाँ ये ले, कहाँ दू पानी? हाँ दे। अपने एक और टूल की जरूरत पड़ गई है जिसका नाम है एक्स, एक्स गर्लफ्रेंड नहीं, एक्स कुल्हाड़ी, एक्स कुल्हाड़ी, और इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसको भी हम बाहर निकालते हैं। हाँ कुल्हाड़ी के शासक पूछना निकलो पहले। अरे यार इसके अंदर है देखो, सब पीछे वो देखिए, ये 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 पड़ी है पीछे रेड कलर का जो है, हाँ निकाल आ जाए आ जाए।
अरे रुक जा चाचा चौधरी, बढ़िया टूट रही है इसके इतने छोटे छोटे टुकड़े कर, आराम से मार, हाँ पैर से दूर बचा के कट्ठे भी करियो, हाथ से दूर बचा के पैर से दूर बचा के, हाँ एक में टूटना चाहिए, क्या कर रहा है उसके साथ मारपीट नहीं नहीं पैर के साथ नहीं, हाँ पैर दूर, पैर दूर, हाँ हाँ बेटा उसको अगर बेस मिलेगा ना तो एक ही में टूटेगी वो, ये देख योगी ध्यान से अरे ट्रिक की कहानी है बस एकता में बल वाली कहानी याद आ रही है आज ऐसे ठीक है बेस के लिए तू लंबी जला दे ना अपने को तो एक साथ जलेगी नीचे के लिए हो गई छोटी मोटी मछली अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जलेगी कैसे तो आप लोग ये लगाइए और ज्यादा ना सोचिए क्योंकि हम इसका सलूशन लेके आ रहे हैं इसमें काम आएगी ये मेरे भाई को कुल्हाड़ी चलाने में बहुत मजा आ रहा है इसे अब जूता पड़ना चाहिए यह हमारी चाय बेहतरीन खोल रही है बढ़िया और हमारा एक सिलेंडर लापता है योगी कैमरा पकड़ियो जरा ज्यादा चौधरी मत बनियो आधी रात को ना यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा ओ भाई साहब इनके पत्तों को जलाना शुरू कर दो पहले चला के रखी है लो बात है अरे सर सलाम सर रोटी सलाम सर क्या तुमने तो जहर बना दिया लकड़ियाँ धीरे धीरे अभी ये वो कर देता हूँ हल्का सा एक साइड में डालना और अब तक देखता हूँ चाय की क्या हाल है चाय की तो मावे ने कोई बंद कर दो यार मैं वही बैठा हूँ सोच रहा मैं तो कुछ तो बोल रहा हूँ नहीं ठीक है सही लग रही देख सही है भाई अरे यार सही है वही लोग सही हैं के लोग सही हैं अंकल ने लकड़ी दी क्या हाँ अंकल को बस थोड़ी सी बियर की उम्मीद है और कुछ नहीं और क्या खुश रहना चाहते हैं खुश कैसे रहता है इंसान डर भी गए चलो मतलब बॉन फायर का हिसाब किताब हो गया है कैंप साइट एक तरीके से कंप्लीट हो गई है आग पानी खाना हर चीज का इंतजाम है और ये नजारा भाई साहब एक गाय हमारी चाय की तैयारी हो रही है काफी ठंड हो गई है गाइस नहीं भाई और सहेल भाई और सहेली चाय की तैयारी चाय बनाई है हमारे योगी भैया ने खाना बनाने में यही एक्सपर्ट है हमारे साथ अभी ये एक्सपर्ट हो गए हैं एक बार की कहानी की बात है गुड़गांव में मैं इनके घर गया इन्होंने चाय पिलाई पांच जनों को चाय पिलाई पांचों जनों को टटियां लग गई भाई साहब सिर्फ चाय से ये इनका स्पेशल टैलेंट है पेट सफा की कोई जरूरत नहीं कोई जरूरत नहीं सिर्फ चाय पी लो चाय चीयर्स अब यार बॉनफायर करो और बारबेक्यू ना करो ऐसा हो सकता है तो कर लेते हैं र
रात की चाय बन चुकी है और अब हम चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद सोने की कोशिश करेंगे कुल्हाड़ी के साथ। और ऑलमोस्ट हमारा सब सामान जो है वो सिमट चुका है, जितनी भी हमने गंदगी करी थी वो हम इसमें पैक कर चुके हैं और बाकी ये थोड़ा बहुत सामान रह गया है। इस तरीके से पैक करेंगे गाड़ी को कि सारा सामान जो है वो आगे की तरफ रहेगा। अगर बाई चांस हमको रात को टेंट छोड़ना पड़ता है आंधी तूफान बारिश किसी भी वजह से एक्स वाई जेड, तो हम तीन जने आके गाड़ी में सो सकें, तो कुछ इस तरीके से सेटिंग होगी। अभी हम लोग चाय पियेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। अब हम सोने जा रहे हैं। यहाँ से सब साफ कर चुके हैं और कोई ये नहीं कह सकता कि भाई साहब आपको यहाँ पे कैंपिंग हुई थी, इस तरीके का कर दिया। और मैं आपको दिखाता हूँ कि सामान की ऐसे अरेंजमेंट करी है, कि गाड़ी के इस पार्ट में और डिक्की में कम से कम सामान है, बिल्कुल ना के बराबर सामान है। और आगे की तरफ अगर आप देखोगे तो पूरा सामान भर दिया है मैंने। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरा सामान आगे से मैंने इसलिए भर दिया है ताकि अगर बाई चांस हमको रात को कोई भी प्रॉब्लम हो टेंट के अंदर तो हम तीनों जने आए आके नीचे का ये जो हमारी सीट है इसको सीधा खड़ा करें, इनको गिराएं और हम तीनों के लिए सोने लायक जगह हो जाएगी इस गाड़ी के अंदर। तो इस हिसाब से जो है हमने इसको करी है। अब हमारी गाड़ी हम करते हैं लॉक और सुबह उठेंगे कुछ इस नज़ारे के साथ और आपको भी दिखाएंगे। चलो भाई गुड नाइट। तो हमारी अय्याशी अभी ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि नींद नहीं आ रही थी, तो हमने अब यहाँ पे मूवी थिएटर बना लिए हैं। यहाँ पे ये फ़ोन सेट हो गया है और नेटफ्लिक्स चल चुका है और ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट हो चुका है और यहाँ से भाई साहब अब मूवी देखी जा रही है। तो आगे अब नहीं कहूँगा कि मैं अगर सो जा रहे हैं गुड नाइट कल मिलेंगे, क्योंकि कुछ नहीं पता अब हम क्या कर रहे होते हैं। चलो बाय बाय।